अब जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। ज्योतिषाचार्य आचार्य आनंद देव जी आपको बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। आज 9 जुलाई 2023 रविवार विक्रमी संवत 2080 सावन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आप सबको आचार्य आनंद देव का सादर प्रणाम। आज चंद्रमा मीन राशि में है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। आज का राहु काल 5:38 से 7:22 तक रहेगा। उस समय कोई भी शुभ कार्य शुरू ना करें। अभिजीत मुहूर्त वही दोपहर 11:58 से 12:53 तक रहेगा। उस समय आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, इसलिए मेष राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेष राशि वाले जातकों को आज हो सकता है कोर्ट कचहरी के या किसी तरीके से हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ जाएं। आपके कोई निकट संबंधी आज हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। परंतु हाँ, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और आपका कार्य किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या आपका कार्य किसी खदान या किसी लोहे के कारोबार से है तो आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज नए मित्र बनाने का योग रहेगा, परंतु पुराने मित्रों से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आपके कोई मतभेद हो सकते हैं। आज आपको यही परामर्श दिया जाता है कि नए मित्र बनाएं परंतु पुराने मित्रों को ना भूलें। बड़े बहन भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा, उनके आशीर्वाद से आप आज आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज कहीं दूर से कोई ऐसा समाचार आ सकता है जहां आपकी नई जॉब का ऑफर आ सकता है या आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है। आज आपके समक्ष आपके पुराने किए हुए जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आज आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा समय हो सकता है। हो सकता है उनको कहीं से कोई अचानक से जो लग रहा था उनको कि यहाँ मेरा लक काम करता है, वहाँ उनका लक आज काम ना करे। तो आपसे अनुरोध है कि आज आप किसी भी तरह का कोई शेयर मार्केट में अपना पैसा ना लगाएं। हालांकि आज आप किसी धार्मिक यात्रा या धर्म ग्रंथ को पढ़ना या किसी धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात आज आपकी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा उथल पुथल वाला दिन रह सकता है। हो सकता है अचानक कहीं से कोई उनको ऐसा कोई समाचार मिले जिसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी। वो समाचार अच्छा भी हो सकता है, वो समाचार बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा समाचार है तो अपने आप को ज़्यादा उत्तेजित ना करें, और अगर कोई अच्छा समाचार नहीं है तो भी संयम बना कर रखें। सायंकाल आते आते आपके कार्य सभी अच्छे रूप से चलने शुरू हो जाएंगे, सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे और आपको जो भी समाचार मिला है उससे आपको फ़ायदा ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक आज अगर कोई अपना नया व्यापार करना चाहते हैं तो आज अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं व्यापार के लिए, परंतु अपने उद्देश्य को कम ना करें। अगर उनकी उद्देश्य बढ़ चढ़ कर दिख रहा है तो उस उद्देश्य के लिए काम करें, अपने मन को छोटा ना करें। और आज आपका जो नया काम है वो शुरू होगा तो अवश्य ही सफल होगा। आज अगर आप विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। आज आप अपने साथी को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज हो सकता है कहीं से कोई ऐसा समाचार आए जहां पर उनको किसी दूसरों के झगड़ों में पड़ना पड़े। आपसे अनुरोध है कि बेवजह किसी दूसरों के झगड़ों में, मतभेद में ना पड़ें। आप अपने शरीर का ख्याल रखें और अगर आप किसी तरह से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो ध्यान रहे कि आज कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। उसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज प्रेम और सौहार्द का माहौल मिलने वाला है। आज उनके प्रेमी और प्रेमिका उनको हंस कस के अपने साथ समय बिताने के लिए उत्साहित करेंगे। आप भी सहर्ष उनके साथ समय बिताएंगे और आमोद प्रमोद में आज आपका दिन बीतेगा। साथ ही अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज वो नई स्किल भी आप सीख सकते हैं। अगर आप किसी शेयर मार्केट में आज कुछ करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि पैसा ना लगा करके पहले उसको सीख लें। उसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए आज सारा दिन घर पर ही बीतने का माहौल है। घर परिवार भरा रहेगा, हो सकता है कुछ रिश्तेदार आपके घर आ जाएं। भोजन करने वाले लोगों की मात्रा आज बढ़ सकती है, तादाद बढ़ सकती है। हो सकता है आपके घर कुछ लोग और मेहमान बन करके आ जाएं, हंसी खुशी उनके साथ अपना समय गुजारें। किसी भी तरह से अपने घर में किसी छोटी मोटी बात को लेकर के तूल ना पकड़ें और उसको ना बढ़ाएं, अन्यथा हो सकता है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को आज एक अलग तरह का जोश रहेगा। आज उनको जो कार्य वो आज तक कभी किसी तरीके से नहीं कर पाए थे और वो कदम जो नया कदम उठाना चाहते थे किसी कार्य में, वो आज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आज आप अपना कोई YouTube चैनल चलाएं या आप किसी तरीके से कोई भी संचार माध्यम से अपने आप को लोगों के सामने लेकर के आएं, तो आज का दिन काफ़ी शुभ है, आप वो काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज काफ़ी ऐसी मौके आएंगे जहां पर वो सेविंग्स के बारे में सोचेंगे, वो सेविंग्स को लेकर के कोई नए आयाम बनाएंगे। हो सकता है कोई नई सेविंग स्कीम में पैसा लगाने की सोचें और हो सकता है कोई जेवरात खरीदने की भी उनके मन में आए, तो आज सोच समझ के ही आप ये कार्य कीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। हाँ, आज आपकी वाणी लोगों को ज़रूर प्रभावित करेगी, इसलिए अगर आप वक्ता हैं तो आज आप अपना कोई भी कार्यक्रम रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए आज एक ऐसा माहौल रहेगा जहां वो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में, एक फैंटेसी वाली दुनिया में रहेंगे। उनको लगेगा जैसे कि उनकी ज़िंदगी जो है एक फिल्मी दुनिया की तरह है। वो हर बात को इतना महसूस करेंगे और इस तरह से सोचेंगे कि फिल्में ही उनकी ज़िंदगी है, तो फिल्मी दुनिया से थोड़ा बाहर निकल करके यथार्थ पर आएं और यथार्थ प्रैक्टिकल होकर के आप चीज़ों को सोचें और तभी कोई निर्णय लें। बाकी आज आपका दिन बड़ा ही खुशनुमा बीतने वाला है। इसी के साथ इजाज़त दें आचार्य आनंद देव को। राशिफल को यहीं समाप्त करते हुए नमस्कार।